हेलो, यह वीडियो यूनिफॉर्म सिविल कोड पर है और न्यूज में भी रहा है क्योंकि उत्तराखंड जो है देश में पहला राज्य बन गया है जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कानून पारित किया है। वहां की विधानसभा ने पारित किया है और आसाम और गुजरात ऐसे राज्य हैं जो इस पर यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए प्रयासरत हैं। जैसे हम जानते हैं कि गोवा में पहले से ही एक प्रकार से कॉमन सिविल कोड है और जो द पोर्तुगीज सिविल कोड ऑफ 1867 यानी कि पोर्तुगीज जो सिविल कोड 1867 का तभी से ये प्रैक्टिस में है, व्यवहार में है। यानी कि एक प्रकार से कहते हैं कि समान नागरिक संहिता गोवा में है। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है? वन लॉ फॉर द इंटायर कंट्री विच कुड अप्लाई टू ऑल रिलीजियस कम्युनिटीज, पूरे देश की सभी समुदायों के लिए, सभी धार्मिक समुदायों के लिए एक कानून जो है समस्त देश के लिए, इंटायर कंट्री समस्त देश के लिए एक कानून जो है यूनिफॉर्म जो है सिविल कोड कहलाता है। और इसका मतलब ये है कि कुछ जो पर्सनल मैटर होते हैं जैसे विवाह, मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस, एडॉप्शन, सक्सेशन, विवाह, तलाक, विरासत जो है, गोद लेना और उत्तराधिकार संबंधी जो प्रावधान हैं, जो कानून है, वो इसके अंतर्गत आते हैं। जैसा हम जानते हैं आर्टिकल 44 जो है पार्ट 4 का जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी है राज्य के नीति निर्देशक में, और उसके अनुच्छेद 44 में बेसिकली 36 से लेकर 51 तक जो है आर्टिकल डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी है जो पार्ट 4 में आते हैं, और उसके अनुच्छेद 44 में जैसा हम जानते हैं कि ये है कि राज्य नागरिकों के लिए समस्त देश में पूरे राज्य क्षेत्र में समान नागरिक संहिता को सुनिश्चित करने का प्रयत्न करेगा। डायरेक्शंस हैं ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में आता है। अच्छा, पर्सनल जैसे भारत में समुदाय हैं, धार्मिक समुदाय हैं, उनके कुछ अपने व्यक्तिगत कानून हैं। पहले तो हिंदू, हिंदूज में क्या हिंदू भी शामिल हैं, सिख भी, जैन्स और बुद्धिस्ट, इनके अपने व्यक्तिगत कानून हैं। हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। इसी प्रकार से मुसलमानों के कुछ पर्सनल लॉ हैं जो उनको शरीयत में कह सकते हैं, शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937, कुछ एस्पेक्ट हैं उनके, डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1937 का है। कहने का मतलब है कि जो कुछ सर्टेन एस्पेक्ट है मुस्लिम पर्सनल लॉ के जिनको स्पष्ट रूप से मान्यता दी गई है कुछ कानून बना के, जैसे शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 का है और डिसोल्यूशन मुस्लिम जो मैरिज एक्ट 1939 का है। भारत में कुछ जो सेकुलर लॉ भी हैं जो हैं, जैसे स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 का है। स्पेशल मैरिज एक्ट में बेसिकली जो इंटर रिलीजियस मैरिजेज होती हैं वो होती हैं, जो स्पेशल मैरिज एक्ट में जो ऐसे लड़का लड़की जो विभिन्न धार्मिक पृष्ठभूमि से आते हैं तो इंटर रिलीजियस मैरिज में आते हैं। गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट 1890 का है। लास्ट में हम थोड़ा देखते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ जजमेंट दिए हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित, वो इम्पोर्टेंट जजमेंट क्या है। साहबानो केस बड़ा फेमस रहा है राजीव जी के समय 1985 में, सरला मुदगल केस 1995 का है, पॉलो कोटिनो वर्सेस मारिया लुइजा वेलेंटिना परेरा 2019 का है। ओके।